kaisa ye pyar hai. अब आप दोनों एक साथ मिलकर आहुति दीजिए. काश कि इस वक्त आप मेरे साथ होती. धन्य जी आप तो जानते ही हैं कि इनके स्कूल की फॉर्मल ओपनिंग होने वाली है 3 दिन में. जरा इन्हें बता दीजिए कि उसके बाद कौन सी पूजा करनी चाहिए कि ये अपशगुन खत्म हो जाए और इस तरह के हादसे अब ना हो. हाँ जी, मैं इनको बता देता हूँ. अंगद सुन लेना. एक मिनट निशांत. Excuse me, please. पंडित जी, ये निशांत है मेरे पार्टनर. I'll just be back, okay? Excuse me. संभालो.
हेलो डॉक्टर साहब, मैं कार्तिक खन्ना बोल रहा हूँ, खन्ना उसे आप यहाँ फौरन आ जाइए। सर मैं पानी पी। क्या पानी? यहाँ बिठाया था तुमको? आप यकीन मानिए, वो रिकॉर्डिंग इटे तो मुझे। जी सर। Come on, quick. क्या हुआ कार्तिक? डॉक्टर अभी तक आया नहीं? दादी फोन तो कर दिया, बस आ ही रहा होगा, मैं एक बार फिर से देख लेता। हेलो अंगद, तुम्हें लगता है हम उसे पकड़ पाएंगे? ऑफ कोर्स करण, आज वो इंसान कहीं नहीं जा सकता। वी हैव इट रिकॉर्डेड। सर यहां से वो टेप भी गायब। मतलब सर मैं तो यही था। क्या सर मैं तो यही? कोई भी आदमी यहां पे आके टेप लेके चला जाता है और तुम्हें पता था नहीं। अंगद उस पे चिल्ला के क्या फायदा है? वो कह तो रहा था कि थोड़ी देर के लिए बाहर गया था। अंगद अगर ये गार्ड सच कह रहा है तो एक ही बात हो सकती है, ये किसी घर के आदमी का काम है। क्या अंगद तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? ये काम कोई बाहर का आदमी कर ही नहीं सकता। शैंडलियर का गिरना, उसके बाद यहां से टेप का चोरी होना, ये सब इतने कम समय में, इसका मतलब वो इंसान अभी इस घर में ही है। किसी काम का नहीं हो तुम सब। यहाँ इतनी बड़ी वारदात हो गई, किसी को जान से मारने की कोशिश की गई और तुम्हें पता भी नहीं चला? किस दुनिया में रहते तुम सब? अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या ताक रहे हो? ढूंढो उसे, कहीं कहीं होगा वो। से किसी को जाते हुए देखा क्या? नहीं साहब, जब से पूजा शुरू हुई है यहाँ से कोई बाहर नहीं गया। Are you sure? Sure, sir. डॉक्टर साहब सब ठीक तो है ना? देखिए घबराने की कोई बात नहीं है, हल्की फुल्की चोटें थी, मैंने इंजेक्शन दे दिया है। ये कुछ मेडिसिन्स लिख रहा हूँ, आप इन्हें मंगा लीजिएगा। He will be fine. निशांत बेटा, अब कैसा लग रहा है? Relax, दादी. I'm fine now. भगवान का लाख लाख शुक्र है, उसी की कृपा से आज भी ये अनहोनी टल गई। तुम बैठो बेटा, मैं देखती हूँ। हेलो दादी, आप वो? हाँ हाँ, पूजा ठीक हो गई ना? हाँ हाँ, हो गई पूजा। क्या बात है दादी? हाँ बस वो थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, लेकिन भगवान की कृपा से वो भी टल गई। क्या हुआ दादी? हेलो तानिया। निशांत आप ठीक तो है ना? क्यों? नहीं निशा, आपकी आवाज तो ठीक नहीं लग रही। नहीं वो एक्चुअली थोड़ा सा चक्कर आ गया था। Don't worry, I'm all right now. बस मैं अभी घर के लिए निकलने वाला था। ओके? जल्दी आइए। बाय।
तरह अचानक तुम कहाँ चले गए थे? बाहर देखने गया था कि इस घर से कोई बाहर तो नहीं गया, क्योंकि टेप अभी अभी चोरी हुआ है। इसका मतलब वो इसी घर में किसी के पास है। अंगद, लेकिन यहाँ जितने भी लोग हैं सब हमारे अपने हैं। तुम्हारा मतलब है कि ये हमला हम में से ही किसी ने? अंगद, हमारे अपनों में से कोई ऐसा क्यों करेगा? कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती जिनका कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि अक्सर चोट हमें अपनों से मिलती है। वो जो भी, we have to find him. Anyways, just relax. घबराने की कोई जरूरत नहीं। वो जो भी है उसका पता बहुत जल्दी चल जाएगा। That's right. For Nishant, is he all right? अभी अभी डॉक्टर आके उसका चेकअप करके गए। मैं जरा देख के आता हूँ उसे। So Nishant, how are you feeling? Feeling better. Are you all right? Yeah. और इस हालत में कहाँ जा रहे थे तुम? Relax अंकल, वो पेन किलर के इंजेक्शन की वजह से थोड़ा सा अनइजी फील हो रहा है। I'm okay now. घर के लिए निकलना है मुझे। घर के लिए? निशांत, ऐसी हालत में घर जाओगे तुम? चलो मैं छोड़ देता हूँ। Okay. अंकल, कुछ पता चला ये सब कैसे हुआ? वो actually, चलो मैं बताता हूँ। What are you saying? ये सब? हाँ निशांत, ऐसा ही हो। निशांत? तानिया, आप? निशांत, ये चोट, आप ठीक तो है ना? Relax तानिया, कुछ भी नहीं हुआ है मुझे। मैं आपको सब कुछ आराम से बताता हूँ। निशांत, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। Thank you. वो मैं गाड़ी लाई हूँ, मैं घर ले जाती हूँ। चलिए निशा। रिलैक्स अंकल, यू डोंट वरी, थाने आ गई है ना? ओके, आई सी यू, बाय। संभाल के निशा। क्या हुआ? एक्चुअली तानिया, कहते हैं कि खाली पेट सोचने से एक तो पेट में दर्द होता है और दूसरा दिमाग पे बहुत जोर पड़ता है। कम ऑन। तुम अभी भी पूजा वाले इंसिडेंट के बारे में सोच रहे हो? अंगद, पूजा में जो कुछ भी हुआ हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते। इट्स अ सीरियस मैटर। जिस तरह से बार बार हमले हो रहे, बाकी लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है, इसलिए मैंने पुलिस में कंप्लेन कर दी है। लेकिन कानन, अंगद, मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि इन हमलों के पीछे कौन है, इसलिए मैंने इस बार पुलिस को इन्वॉल्व कर दिया। अगर मैंने तुम्हारा नंबर इंस्पेक्टर को दे दिया है, कुछ भी बात हो तो वो तुम्हें फोन करेंगे। ऑलराइट बाबा, आई स्पीक टू हिम। ठीक है, चलो अब खाना खाओ।
ये वही आदमी है जिसे मैंने उस दिन डैड को एयरपोर्ट पर मिलते देखा था। उस वक्त मैंने सोचा था कि शायद ही उनका कोई क्लाइंट या कोई फ्रेंड होगा, लेकिन आज जब मैं खन्ना हाउस के बाहर निशांत का वेट कर रही थी तो मैंने इसी आदमी को एक बाहर कूदते देखा था। इसका मतलब वो आदमी, ओह गॉड, आई एम श्योर कि पूजा में जो कुछ भी हुआ है उसमें कहीं ना कहीं उस आदमी का भी हाथ है। मैं कुछ कुछ समझ रही हूं। पहले उसने डैड से जान पहचान की, फिर उनके थ्रू घर में आकर ये सब। मुझे अभी इसी वक्त ये बात सबको, नहीं नहीं, इस तरह सबको बताया तो पुलिस डैड को भी परेशान करेगी। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिसमें डैड का भी कोई नाम ना आए और वो आदमी भी पकड़ा जाए।